नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम में देख रहे थे उसमें हम देखेंगे अंग्रेज डेनिस और फ्रांसीसियों का आगमन। देखिए दरअसल ये अपना चैप्टर चल रहा है भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पुर्तगाली और डच जो है उनके आगमन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अंग्रेज डेनिस और फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड में आज थोड़ी पटाखों की आवाज़ आ रही है। आज वो 22 जनवरी है तो राम मंदिर जो है अयोध्या में उसका उद्घाटन हुआ है, इस चक्कर में पीछे बहुत सारे पटाखों की बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है, मगर हम तो अपना काम जारी रखेंगे चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए कुछ भी हो, क्योंकि पढ़ाई जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, और मैंने अपना हमारे चैनल के जो एक इनिशिएटिव है उसके बारे में भी आपको बताया था कि रोज़ सुबह एक क्वेश्चन जो है हमारे कम्युनिटी टैब पे हमारी टीम की ओर से डाला जाता है। आप वहाँ जाइए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए ताकि आपको पता लगेगा कि सर जिस सर पढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या मैं जितना ग्रास्प कर पा रहा हूँ पढ़ पा रहा हूँ, या मैं सर मुझे जो बताते हैं फैक्ट याद करने को मैं करूँ या ना करूँ, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपको पता लग जाएगा। तो आप जाइए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए कल जब हमने संत जो फ्रांसिस जेवियर थे उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करवाया था, है ना, तो उनके उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे। हाँ जी, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित यहाँ एक गिरजाघर है, ठीक है। फिर तीसरा है गोवा में प्रतिवर्ष फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रांसिस जेवियर है उनकी मृत्यु गोवा में नहीं बल्कि चीन में हुई थी, इसलिए दो को हम कट कर देंगे, इसलिए ये गया और ये गया, आसानी से आंसर आ जाता 1 और 3, है ना, यानी पहला और तीसरा आंसर सही है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा आज का लेक्चर पूरा देखने के बाद में, है ना। तो मैं लो आपको थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दूँ कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्पेन का यात्री पहले कोलंबस भारत की यात्रा करने निकलता है और वो गलती से रास्ता भटक कर पहुँच जाता है अमेरिका और वो एक दूसरी दुनिया की नई दुनिया की खोज कर लेता है। उसके बाद में पुर्तगाल का यात्री होता है वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकलता है और वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए केन्या जाता है और केन्या के में एक गुजराती व्यापारी की सहायता से वो कालीकट के तट पर उतरता है और वहाँ का हिंदू शासक जमोरिन उसका स्वागत करता है। फिर वो यहाँ से जाते वक्त बहुत सारा मसाला और इस प्रकार का माल लेके जाता है और उसकी वजह से उसको बहुत सारा मुनाफा होता है। वो यूरोप में ले जाकर उसे 60 गुना दाम पर बेचता है और फिर उसी की देखा देखी में दूसरे जो व्यापारी लोग भी हैं वो वापस भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। इसी क्रम में फिर जो है पुर्तगाली राजा के आदेश पर फिर वहाँ से जो है भारत में पुर्तगाली जो है उपनिवेश बनाए जाते हैं और सबसे पहले कोचीन कालीकट जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके बाद में गोवा में बनाए जाते हैं। और हमने देखा था कि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो होता है अल्मीडा, उसके बाद होता है अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क के बाद में कुनो आता है नूनो डी कुना, और कुना जो है वो गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन जो है वो प्राप्त कर लेता है। ये हमने देखा था पुर्तगालियों के बारे में। फिर डच लोगों के बारे में हमने देखा था कि डच लोग आते हैं और डच जो है वो पूर्वी तट पर ज़्यादा अपनी बस्तियां बनाते हैं, हालांकि पश्चिमी तट पर जो है उनकी बस्तियां होती है सूरत में, और पूर्वी तट पर देखिए वो विमलपट्टनम नागापट्टनम पुलिकट जो है उनकी एक मुख्य वो जगह होती है। फिर पुलिकट के बाद में उनकी राजधानी जो है वो नागापट्टनम में शिफ्ट हो जाती है। फिर बालासोर हमने देखा था, चिनसुरा हमने देखा था, इस प्रकार से हमने उनके बारे में देख लिया। अब हमने जो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है उनके बारे में भी डिस्कस किया था, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो स्पेन के रहने वाले थे और पुर्तगाल के राजा और पोप की सहायता से वो भारत में आते हैं गोवा में 1541 ईस्वी में, और गोवा में आने के बाद में हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वो स्पेन के रहने वाले और पुर्तगाल के राजा और पोप की सलाह पर भारत में आते हैं गोवा में, और गोवा में आने के बाद में अपने जेसुइट जो संघ होता है उसकी यहाँ पर मिशनरी कार्य वो प्रारंभ करते हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद में वहाँ से वो त्रावणकोर जाते हैं, मद्रास जाते हैं, फिर वहाँ से वो मलय प्रायद्वीप जाते हैं,
और मलाय प्रायद्वीप से वो जापान जाते हैं, जापान से वापस गोवा आते हैं और फिर गोवा से वो वापस चाइना जाते हैं यानी चीन जाते हैं, और चीन में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर चीन में उनके जो अस्थियाँ होती हैं, उनका जो शरीर होता है, वो पार्थिव शरीर भारत लाया जाता है गोवा, और उनकी याद में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नाम से एक वहाँ पर पूरा का पूरा एक गिरजाघर का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रांसिस जेवियर के बारे में हमने जान लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लें, हमने देख लिया था कि पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी कंपनियां जो हुआ करती थी वो सबसे सफल भारत में होती है। अब सबसे सफल भारत में ये क्यों होती है, एक तो देखिए, और दूसरे जो व्यापारी आए, यूरोपीय जो कंपनियां आई, उनकी अपेक्षा उन्होंने भारतीय का जो व्यापार का स्वरूप था उसको एक बढ़िया ढंग से इन्होंने समझा, और यहाँ के ज़मीनी हकीकत को इन्होंने समझना शुरू किया। यहाँ की कल्चर क्या है, यहाँ के जो है सोसाइटी जो है, जो समाज है, उसके नियम कानून कायदे किस प्रकार से, ये सब चीज़ों को उन्होंने समझना शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया, इसकी वजह से ये ज़्यादा सफल हो पाए। साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक और सैनिक शक्ति का सहारा भी लिया, यानी कि इंग्लैंड का जो राजा था, इंग्लैंड का राजा इनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता था, यानी यूके की जो सेना होती थी वो हमेशा इनकी सहायता के लिए खड़ी होती थी, बल्कि दूसरे जो यूरोपीय कंपनियां हुआ करती थी उनके मामले में ऐसा नहीं था। अगर सबसे पहले स्थल मार्ग से हम देखें तो भारत आने वाला जो ब्रिटिश यात्री था वो 1599 में जॉन मिल्डेनहॉल था, वो स्थल मार्ग से भारत आया था, और इसी समय जो है, जो 1599 ईस्वी में ही, इसी समय के आसपास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम हुआ करता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई। इसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना जो है हो जाती है, देखिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो उस टाइम का, और ये जहांगीर के दरबार में आए हुए हैं कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, फिर 1608 ईस्वी में ये कंपनी जो होती है वो भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारी कोठी खोलने का इसे अनुमति मिल जाती है। वो किस कौन देता है, उस काल में राजा होता है भारत का सम्राट जहांगीर, तो हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है, और जहांगीर फिर इसके अनुमति दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस के व्यवहार से जहांगीर खूब प्रसन्न होता है। जहांगीर देखता है इतना गोरा चिट्टा आदमी, दूसरे देश का आदमी उसने पहली बार जीवन में देखा, और फिर उसने देखा कि ये फारसी बोलता है, मतलब हमारी तुम्हारी जैसी भाषा बोलता है, इसलिए उसकी भाषा से और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कैप्टन हॉकिंस को सूरत में कोठी खोलने का जो है, एक फैक्ट्री लगाने का जो आदेश है वो, या अनुमति वो दे दी गई, और साथ ही साथ 400 की मनसब और एक जागीर भी उसे दे दी जाती है। ठीक है, प्रभावित होकर राजा है, प्रभावित होकर 400 की उसे मनसब दे दिया, हालांकि 400 की मनसब छोटी हुआ करते थे, पर ठीक है कोई नहीं, आप बाहर से आए हो, इतना तो आपके लिए बहुत है, दूसरे देश में आके कोई राजा आपको जागीर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1615 में जहांगीर एक शाही फरमान जारी कर देता है, और उसके द्वारा सूरत में उनको व्यापारिक कोठी खोलने की, स्थापित करने की, और साथ ही साथ मुगल दरबार में एक एलचे रखने की अनुमति उनको मिल जाती है। एलचे मतलब जैसे आज हमारे यहाँ राजदूत होते हैं ना हर देशों के, तो वैसे ही जैसे अब उनको इंग्लैंड वालों को भारत के जो राजा है उनके दरबार में एक राजदूत रखने की आज्ञा मिल गई थी कि आप हमारा यहाँ एक राजदूत रख सकते हैं, आपको कोई भी समस्या हो तो आप ये राजदूत हमसे बात कर लेगा, हमें आपसे कोई समस्या होगी तो हम आपके राजदूत से बात कर लेंगे। तो इस प्रकार की 1615 ईस्वी आते आते जहांगीर के द्वारा उनको यह आज्ञा दे दी जाती है। फिर सर टॉमस रो जो है वो 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अजमेर जाता है जहांगीर के दरबार में, और 1618 तक वो यहीं रहता है, और राज्य के विभिन्न भागों में कारखाने लगाने और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, है ना। फिर पहले हॉकिंस आता है, हॉकिंस को सूरत में लगाने की मिल जाती है आज्ञा, कोठी खोलने की, फैक्ट्री खोलने की, और उसके बाद में आता है टॉमस रो, वहीं जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, और उस टाइम पे अजमेर में होते हैं जहांगीर, और जहांगीर के दरबार में अजमेर में जाता है, और 1618 तक वहीं रहता है 3 साल तक, और उसके बाद में उसे देश के विभिन्न भागों में कारखाने खोलने और व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है कि भाई जाओ और आप यहाँ पर कारखाने खोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने मुगलों को ये एक कन्विंस कर लिया था, राजी कर लिया था कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, आपको बहुत सारा सोना चांदी प्राप्त होगा। फिर देखिए इन लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पर अपने कारखाने स्थापित किए शुरुआत में, सबसे पहले पश्चिमी तट पर ये शुरू करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने देखिए आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भड़ोच जो है 1619 ईस्वी तक कारखाने लगाए जो सूरत के नियंत्रण में हुआ करते थे।
तो मुख्य केंद्र इनका पहले क्या हुआ करता था, सूरत हुआ करता था। सूरत कहाँ है, पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी में तापी नदी के किनारे पर है। और 1665 ईस्वी में कंपनी ने 10 पाउंड के साल के भाड़े पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त कर लिया था। इस चार्ल्स द्वितीय वाली, ये बम्बई को प्राप्त करने वाली कहानी है, इस पर मैं आगे आता हूँ। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया में इनकी जो है अंग्रेज जो है इनकी बस्तियाँ स्थापित होती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको इस कलर में दिखाई गई है ऊपर, और ये धारी धारी में दिखाई गई है, फ्रेंच कॉलोनीज जो भारत में स्थापित होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बंगाल वगैरह पूरा जो है इस पर कब्जा किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। प्लासी का युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बक्सर का युद्ध भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब जब हम देखेंगे कि आगे देखेंगे युद्धों के बारे में, तब और इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए, इनकी कब्ज़े में ये रहता है, ये निज़ाम हैदराबाद का होता है, कर्नाटक का निज़ाम, ये सब देखिए इन्फ्लुएंस में रहते हैं फ्रांस के गवर्नर जो होते हैं वहाँ पर, उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हालांकि डायरेक्ट कंट्रोल इनका नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए, सूरत हो गया, भरोच हो गया यहाँ पर, और बड़ौदा हो गया, यहाँ पर अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, और गोवा में तो किसका होता है, पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, फिर देखिए दक्षिण पूर्व तट पर मसूलीपट्टनम जो है वो इनका मुख्य केंद्र हो जाता है बाद में, और पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाते हैं। अब देखिए, पुलिकट के पास में और किन किन पुलिकट में किस किस के, और मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि किसके यहाँ पर कारखाने हुआ करते थे, तो डच लोगों के पुलिकट में कारखाने हुआ करते थे। डच लोगों की मुख्य बस्ती पुलिकट हो जाती है, और उसके बाद में क्या हो जाती है, उसके बाद में नागपट्टिनम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नाम का एक व्यक्ति होता है, वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त करता है ना, और एक कीलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, किससे, चंद्रगिरी के राजा से। अब ये चंद्रगिरी का राजा देखिए विजयनगर साम्राज्य का ही एक प्रतिनिधि से माना जाता है, उसी का एक प्रतिनिधि ये हुआ करता था, है ना। हालांकि इस काल तक आते आते विजयनगर साम्राज्य तो देखिए अब नाम मात्र का ही रह गया था, क्योंकि 1565 ईस्वी में हमने देखा था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जब होता है, उस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का वो वाला वैभव चला जाता है, परंतु हालांकि उसके प्रतिनिधि तो यहाँ पर रहते हैं। तो चंद्रगिरी का राजा जो था वो विजयनगर साम्राज्य का ही प्रतिनिधि हुआ करता था, और फ्रांसिस डे ने उससे अनुमति प्राप्त कर ली थी वहाँ पर मद्रास में एक कीलाबंद कारखाना खोलने की, ठीक है, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए मसूलीपट्टनम है ना, और कोरोमंडल तट पर इनका मुख्य जो मुख्यालय है वो क्या हो जाता है, मद्रास हो जाता है, और जो वहाँ पर सूरत हुआ करता था वो बाद में बम्बई हो जाता है, और यहाँ पर बंगाल जो है वो इनकी एक जो पहले हुगली को महत्व मिला होता है, उसको बाद में कोलकाता को वो स्थान प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीन प्रेसिडेंसियाँ इनकी बाद में बन जाती है, इधर बम्बई पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर इनको मद्रास, और अगर देखा जाए कि बंगाल की खाड़ी के पास में तो इनको कोलकाता इनकी एक प्रेसिडेंसी होती है। ठीक है, फिर 1658 में पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां बंगाल बिहार और उड़ीसा जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी जाती है ना। तो सेंट जॉर्ज जो था ये इसके अधीन कर दी जाती है, पहले पहले ये बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो भी उनकी बस्तियां होती है वो। ठीक है, यहाँ तक अभी तक तो ये देखिए क्या होता है कि व्यापारी के रूप में ही कार्य कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, आप कहोगे सर कोरोमंडल तट कहाँ है, ये मालाबार तट कहाँ है, तो देखिए ये अपना भारत का नक्शा है पूरा, यहाँ पर देखिए ये है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट को ये महाराष्ट्र वाला और गोवा वाला जो तट होता है उसे कहते हैं कोंकण तट, और उसके बाद कर्नाटक वाला तट होता है उसे केरला तट कहते हैं, और जो केरला के वाला जो तट होता है उसे कहते हैं मालाबार तट, और यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास वाला जो तट होता है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगता हुआ जो तट होता है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार, है ना। ये याद रखना, आपको जब भी उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार का कहीं मेंशन आए तो आप समझना कि इस वाले क्षेत्र की बात ये हो रही है। ये देखिए यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये है पूर्वी घाट, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, है ना। ये ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी में जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब और इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर है पूर्वी तटीय मैदान, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिर पूर्वी भारत में किस प्रकार से करते हैं, हम देख लिया पश्चिमी भारत में सूरत, फिर दक्षिण भारत में अगर आ जाए कोरोमंडल तट पर, तो कोरोमंडल तट पर मद्रास इनकी मुख्य बस्ती हो जाती है। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज वहाँ पर ये बना लेते हैं। फिर अगर आ जाए पूर्वी भारत में तो उड़ीसा का हरिहरपुर और बालासोर और हुगली 1651 तक तो ये रहते हैं, बाद में उसके बाद में पटना, ढाका, कासिम बाजार
बंगाल और बिहार, वहाँ पर अनेक कारखाने लगाए जाते हैं ना। तो पटना कहाँ है, बिहार में है, ढाका, आज तो ढाका देखिए बांग्लादेश में है, पर उस काल में बंगला ये बंगाल जो है वो विभाजित नहीं था, इसलिए वो ढाका जो है वो बंगाल का ही हिस्सा होता है। तो बंगाल कासिम बाजार भी वहीं होता है, अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा कि कासिम बाजार कहाँ है, कहाँ गया चित्र, आगे होगा आप दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से वो वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित कर लेते हैं, कहाँ पर, पटना, ढाका, कासिम बाजार है ना, वहाँ पर ये, और बालासोर हो गया, हुगली हो गया, वहाँ पर ये अपने कारखाने शुरू में स्थापित कर लेते हैं। फिर देखिए ये इस नाम व्यक्ति का नाम भी याद रख लेना, 1690 ईस्वी में जॉब चोरनोक नाम का व्यक्ति होता है, वो सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर के वहाँ का जो जमींदार होता है, वहाँ से ये इनको 1200 रुपये सालाना, 1200 रुपये सालाना पर ये प्राप्त कर लेता है, यहाँ पर पट्टा प्राप्त कर लेता है, सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुरा के जमींदार जमींदारी प्राप्त कर लेता है 1200 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से, ठीक है। और फिर वहाँ पर ये कलकत्ता जो आज का है, उस कलकत्ता को ये विकसित वहाँ पर करते हैं और उसकी घेराबंदी करवा लेते हैं। जब हम बंगाल और इनके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और आगे, तो बताएंगे आपको कि यही घेराबंदी जो है बाद में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का कारण बन जाती है। तो बाद में सुतानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी जो वाला जो ये जो क्षेत्र, ये गाँव हुआ करते थे, वो कलकत्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, ये याद रखना। और ये वहाँ का जो शासक था उससे ये लिए गए थे, और क्या ये 1200 रुपये की प्रतिवर्ष जो है उसके बदले में ये प्राप्त की गई थी, ठीक है, पट्टा यहाँ पर प्राप्त किया गया था। 1696 में अंग्रेजों ने सुतानाती के कारखाने की घेराबंदी कर दी है ना, घेराबंदी करने मतलब उसको फोर्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ताकि सुरक्षित ये अपने आप को महसूस कर पाए। फिर देखिए वर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह का बहाना बनाकर, और इसे नए रूप में इन्होंने फोर्ट विलियम का नाम दे दिया, 1700 ईस्वी तक इन्होंने इसे फोर्ट विलियम का नाम दे दिया, कि वर्धमान का जो जमींदार था शोभा सिंह, उसका वो विद्रोह कर रहा था, तो उसके विद्रोह का बहाना बनाकर कि हमें इससे खतरा वगैरह है, और उसे वहाँ पर कलकत्ता जो था उसकी घेराबंदी करके फोर्ट विलियम का नाम उसे दे दिया जाता है, और एक प्रधान उसका नियुक्त कर दिया जाता है, सर चार्ल्स आयर जो है वो पहले प्रधान इसके हुआ करते थे, ठीक है। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है, इसके जो भी इसके सारे मामले होते थे वो फोर्ट विलियम को दे दिए जाते थे। पहले कितने से वो जो सेंट जॉर्ज था पहले, उसके अंदर ये हुआ करते थे, जो कि मद्रास में हुआ करता था, ठीक है। अब देख लीजिए बहादुर शाह, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बहादुर शाह ने 1709 में चुंगी की दर घटाकर कितनी कर दी थी, 2.5% कर दी थी, और औरंगजेब ने कितनी रखी थी, ये 3.5% क्या 3.5% इसे रखा था। अब देखिए ये यहाँ पर एक फैक्ट है, 1662 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमार से विवाह होकर बम्बई को दहेज में प्राप्त कर लिया, और जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये कहानी देखिए, ये कहानी इस प्रकार से है कि पुर्तगाली जो लोग हैं, पुर्तगालियों ने कब्जा किया सबसे पहले गोवा पर, उसके बाद में उन्होंने बम्बई जो द्वीप है उस पर भी कब्जा कर लिया, और बम्बई द्वीप पर कब्जा करने के बाद में जब पुर्तगाल की राजकुमारी और इंग्लैंड के राजा की शादी होती है, तो पुर्तगाल का राजा दहेज में दे देता है दहेज में दे देता है बम्बई को, किसको, जो इंग्लैंड का राजा होता है चार्ल्स द्वितीय को, और उसको दहेज में ये दे देता है। फिर वो चार्ल्स द्वितीय जो है इनको ईस्ट इंडियन कंपनी को ये कुछ पैसा लेकर दे देता है कि आप जो है ये बम्बई का द्वीप रख लो, मुझे तो कुछ सालाना पैसे देते रहना। देखिए शादी हो रही है यूरोप में, पति पत्नी यूरोप में बन रहे हैं, और दहेज दे रहे हैं भारत का बम्बई द्वीप, जैसे बम्बई द्वीप इनके बाप का हो, है ना। आप देख रहे हैं कैसे इनके खेल हुआ करते थे, दो शादियां मतलब दो लोगों की शादियां वहां हो रही है और दहेज में दिए जा रहे हैं। अगर आप सोच के देखो, नॉर्मल आदमी की दहेज में अगर शादी हो, तो दहेज में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बाइक और गाड़ी एक्सपेक्ट कर सकता है, कोई कार, कोई बड़ा सा आदमी हो तो फॉर्च्यूनर एक्सपेक्ट कर सकता है। इन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा द्वीप जो था वो इनको उसमें दे दिया गया है, दहेज में दे दिया गया, समझ रहे हैं आप, बड़े आदमियों के बड़े काम। फिर सम्राट जो फर्रुखसियार हुआ करता था, उसने एक फरमान जारी किया, और 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में इन्होंने बिना किसी अतिरिक्त चुंगी के इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, और एक शाही मुद्रणालय हुआ करता था उसमें कि आप सिक्के भी ढालो हमारे इसी सिक्के ढालने वाले में, उसकी अनुमति सब इनको दे दी गई अंग्रेजों को, है ना। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, ये सब हमने देख लिया अंग्रेजों के बारे में, थोड़े से एक ओवरव्यू ले लिया शुरू शुरू का, बाकी इनके बारे में तो देखिए
रहेगी यही अंग्रेजों वाली कंपनी, बाकी तो सब धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी, चली जाएंगी यहाँ से, उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा छोटा सा रह जाएगा। तो उनके बारे में, अंग्रेजी कंपनी के बारे में हम आगे विस्तार से और जान लेंगे। अब जान लेते हैं डेनिश कंपनी के बारे में, है ना। डेनिश ये कहाँ से आते थे? तो डेनिश डेनमार्क नाम का देश होता था ना, वहाँ के लोग हुआ करते थे डेनिश। भाई सब लोगों के आसपास के सारे देशों के लोग जो है वो जा जा के अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं, वो जा जा के व्यापार कर रहे हैं, नए नए देश खोज रहे हैं, तो डेनिश के पीछे रहते। तो डेनिश लोग भी आए, उन लोगों ने भी देखा देखी में 1616 ईस्वी में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, और 1620 ईस्वी में त्रेंकोवार तमिलनाडु में, और 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती इन्होंने बना ली। तो डेनिश लोगों का ठिकाना याद रखना, एक तो त्रेंकोवार जो कि तमिलनाडु में है, और एक श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है, इनके मुख्य केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। और श्रीरामपुर जो है वो तो इनका भारत में मुख्यालय हुआ करता था। तो डेनिश जो थे उनका मुख्यालय कौन हुआ करता था? श्रीरामपुर नाम की जो जगह थी बंगाल में, वो इनका मुख्यालय हुआ करता था डेनिश का। हालांकि वो अपनी स्थिति जो है वो मजबूत नहीं कर पाते हैं, और 1845 आते आते सारी संपत्ति उन्होंने अंग्रेजों को बेच दी, और यहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा था, देखिए ये है त्रिंकोवार, माफ करना, ये है त्रिंकोवार, है ना, यहाँ पर डेनिश लोग आए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा श्रीरामपुर, ये देखिए आपको यहाँ पर श्रीरामपुर दिख जाएगा, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है पिपली, है ना, यहाँ पर भी हुआ करते थे। और फिर आप देखिए यहाँ पर कालीकट है, यहाँ कोची है, यहाँ मसूली पटना में है ना, ये बालासोर है उड़ीसा में ही। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली ऑलरेडी। और ये डेनिश लोग कहाँ से आए थे? डेनमार्क से। तो ये रहा डेनमार्क, ये नीदरलैंड्स, डच लोग यहाँ से आए थे, ये यूके है, यहाँ से अंग्रेज आए थे, ये स्पेन है, स्पेन का शासक स्पेन का ही होता है कोलम्बस, जो पुर्तगाल के राजा, हाँ स्पेन का जो होता है कोलंबस, सॉरी वो इटली का होता है, और स्पेन के राजा की आदेश पर वो भारत को खोजने निकलता है, और गलती से किसी खोज लेता है, अमेरिका को खोज लेता है। ये पुर्तगाल है, यहाँ का होता है वास्को डिगामा, और वो आखिरकार भारत की खोज करने में कामयाब हो जाता है। और यह है एक देश फ्रांस, है ना, तो फ्रांस की कंपनियाँ भी भारत में आती है, अच्छा खासा उनका भी राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाता है। अब हमने देख लिया अंग्रेज, हमने देख लिया डेनिश, अब हम देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रांसीसियों ने भी 1664 में, वहाँ का प्रधानमंत्री होता है कोलबर्ट, वो आदेश देता है, और उसके उसके आदेश पर कंपनी बनाई जाती है, कंपनी द इंडेस ओरिएंटल, है ना, उनकी स्थापना कर दी जाती है। और कंपनी ने व्यापार करने के साथ साथ हिंद महासागर में बारबोन मॉरिशस नामक द्वीप जो है वो अधिकार में ले लिए। अब आप कहोगे सर मॉरिशस कहाँ है? मॉरिशस है हिंद महासागर में, अफ्रीका जो है अफ्रीका के पूर्व में ये पड़ता है। मैं आपको चित्र में दिखा दूँ, देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये मेडागास्कर है, और यहीं पे है मॉरिशस, है ना, यहीं मॉरिशस है, यहीं पे ये रीयूनियन आइलैंड है जो कि आज भी फ्रांस के कब्जे में है, यानी वो ओवरसीज टेरिटरीज है फ्रांस की, है ना। ये देखिए पूरा अफ्रीका में ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था अफ्रीका में, ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, है ना। यहाँ पर आज भी फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और फ्रेंच कल्चर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो उन्होंने बारबोन और मॉरिशस नामक द्वीप जो है उन पर अधिकार कर लिया। और बारबोन और मॉरिशस कहाँ हैं? दोनों हिंद महासागर में हैं। और भारत में सबसे पहले फ्रांसीसियों की पहली कोठी किसने स्थापित करी थी? तो फ्रैंक केरो नाम का व्यक्ति था, उसने सूरत में पहले सबसे पहले ये स्थापित करता है 1668 ईस्वी में। तो देखिए अंग्रेज भी सबसे पहले सूरत में स्थापित करते हैं, और फ्रांसिस फ्रेंच जो लोग होते हैं वो भी सबसे पहले अपनी कोठी कहाँ स्थापित करते हैं, अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? तो सूरत में करते हैं 1668 ईस्वी में। और कौन होता है वो व्यक्ति? फ्रैंक केरो नाम का व्यक्ति होता है, नाम याद रखिएगा फ्रैंक केरो, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या होता है, एक इस्कान निवासी मरकरा होता है, वो भी भारत आता है, ये आपको कोई याद रखने वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मरकरा होता है वो गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर लेता है, और मसूलीपट्टनम में एक दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो मरकरा जो होता है वो गोलकुंडा का सुल्तान होता है, उसे एक अधिकार प्राप्त कर लेता है, और मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में ये सफल हो जाता है। पहली कहाँ होती है? पहली सूरत में होती है, ठीक है, जो कि फ्रैंक केरो स्थापित करता है, और गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेके कौन करता है? मरकरा। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है, मरकरा कहाँ? मरकरा ने बोल देगा कि ये विजयनगर के शासकों से या बीजापुर के शासक से अनुमति प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की, तो नहीं, इसने गोलकुंडा का जो शासक हुआ करता था उससे अनुमति प्राप्त कर ली, और अनुमति प्राप्त करने के बाद में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कोठी स्थापित उन्होंने कर ली। 1672 आते आते मद्रास के पास में सोनथोम नाम की एक जगह होती है, वहाँ पर सोनथोम में
जो है वहाँ पर नाम के जवाब होते हैं उसको ये ले लेते हैं। और वहाँ पर फ्रांसीसी जो नौसेनापति होता है डी ला हे, वो गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना से पराजित होने के बाद डचों को वो सोनथो में जो है वो दे देता है, क्योंकि डच और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और डच पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे, इसलिए डच और जो गोलकुंडा का सुल्तान था वो एक तरफ था और फ्रांसीसी एक तरफ थे, इसलिए फ्रांसीसी हार जाते हैं और सोनथो में जो सोनथो में नाम की जगह है वो डचों को दे दी जानी पड़ती है इनको। ठीक है, फिर 1673 आते आते फ्रेंको मार्टिन नाम का एक व्यक्ति होता है, वो वलिकोडोपुर नाम का एक वलिकोडोपुर का मुस्लिम सूबेदार होता है, उसे एक छोटा सा गांव प्राप्त कर लेता है और वही गांव कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है ना। तो कहाँ के मुस्लिम सूबेदार से, वलिकोडोपुर का मुस्लिम सूबेदार होता है, उससे फ्रेंको मार्टिन एक गांव प्राप्त कर लेता है और वही बात आगे जाके क्या बनता है, पांडिचेरी नामक गांव बनता है। फिर देखिए शाइस्ता खां होता है, मुगल गवर्नर होता है बंगाल का, 1674 में उन्हें एक गांव दिया और 1690 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बना ली। शाइस्ता खां ने जो गांव दिया था उस पर चंद्रनगर की कोठी बना ली और चंद्रनगर इनका एक महत्वपूर्ण अड्डा हो जाता है। फिर 1693 आते आते डचों ने पांडिचेरी को इनसे छीन लिया, लेकिन फिर रिजविक की संधि हो जाती है 1695 में और इनको पांडिचेरी वापस दे दी जाती है। और आज भी जो है पांडिचेरी में फ्रांसीसी संस्कृति हमारे यहाँ देखने को मिल जाती है, इसलिए जो पांडिचेरी है वो आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यनम है ना, कराईकल और माहे, ये तीनों मिलके बनाते हैं पांडिचेरी। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे ये द्वीप है, ये जगह है, परंतु फिर भी ये आज अलग ही एक इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमने दर्जा दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति जो है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्थान, ये है कराईकल, ये है पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, यनम, ये है बालासोर, यहाँ पर ये कासिम बाजार दिया गया है, ये है चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की बस्ती यहाँ पर बसाई जाती है, ये ढाका है ना, और यहाँ पर मुंबई और ये सूरत। चित्र में मैंने सब बता दिया आपको, चले आगे है ना। हाँ जी, रिजवे की संधि है उसके द्वारा फ्रांसीसियों को ये वापस लौटा दिया जाता है। फिर जून 1720 में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण होता है ना, और फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस में और 1726 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 में कारिकल पर कब्जा कर लिया। अभी माहे मैंने आपको बताया कहाँ है, ये देखें माहे और ये है कारिकल, तो कारिकल और माहे पर ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कौन फ्रांसीसी लोग कब्जा करने में सफल हो जाते हैं। इनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर देखिए डचों का जो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री थी वो पिपली में स्थापित की गई थी, पिपली मैंने आपको जगह ऑलरेडी पहले बताई है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो डचों ने बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो पिपली में, याद रख लीजिएगा, ये भूलिएगा मत। डचों ने सबसे पहले अगर बंगाल में देखा जाए फैक्ट्री कहाँ लगाई थी तो वो पिपली नामक जगह पर लगाई थी। फिर धीरे धीरे जो है फिर इन्होंने जल्दी ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी सरकार का एक विभाग के जैसे वो काम करती थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक स्वतंत्र निकाय हुआ करती थी, और यही जो है ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए लाभ सिद्ध हुआ, क्योंकि इसे बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी अपने कार्य करने में। ठीक है ना, उसमें डे टू डे के जो काम होते थे उनमें वहाँ की सरकार का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। फिर पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी मुख्यालय हुआ करता था, और इससे पहले मुख्यालय इनका कहाँ था फ्रांसीसी का, तो सूरत में है ना, तो सूरत में इनका पहले होता, उसके बाद में कहाँ आ जाते ये, उसके बाद में पांडिचेरी में आ जाते हैं। तो आज हमने देख लिया अंग्रेजों के बारे में, डच के बारे में, सॉरी डेनिश के बारे में, और हमने फ्रांसीसी कंपनीज के बारे में देख लिया है। अब इनमें से देखिए ज़्यादा तो महत्वपूर्ण कौन है, तो फ्रांसीसी कंपनी और एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो, इन दोनों का संघर्ष आगे किस प्रकार से चलता है वो भी हम देख लेंगे। और फाइनली जो है फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है और फिर उसको छोटे से क्षेत्र में वो पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सिमट कर रह जाती है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर किस प्रकार से धीरे धीरे राज करती है वो जो अगला चैप्टर हम देखेंगे उसमें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पर अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।